मध्यप्रदेश की एक लड़की त्रिपुरा में आके पहुंचा वो भी बाईसाइकिल से। 19 स्टेट पार होके त्रिपुरा में आके 20 स्टेट में पहुंचा है एक लड़की मध्यप्रदेश में रहने वाली। उनकी नाम है मिस आशा मलवैया। वो बाईसाइकिल चला के 25,000 किलोमीटर तक वो चलेगा। उन्हें आज द्वितीय वाहिनी त्रिपुरा राज्य राइफल्स का कमांडेंट साहब ने एक छोटा सा तोहफा दे के स्वागत किया है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आवाज थोड़ी कम आ रही है, आज की एक्टिविटी ज्यादा हो गया। मेरा नाम आशा मालवी है, मैं मध्य प्रदेश में राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से विलेज नाटाराम से हूँ। मैं स्पोर्ट्स में एक नेशनल प्लेयर हूँ और माउंटेनियर हूँ। माउंटेनियर में मैं बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर हूँ। अभी मैं संपूर्ण भारत सोलो साइकिल यात्रा कर रही हूँ 25,000 किलोमीटर की, और यहाँ यात्रा मैंने भोपाल से 1 नवंबर को शुरू की है 22 में। अभी तक मेरा राइड लगभग 7 महीने का हो गया है और मैं 19 स्टेट कंप्लीट करके मेरा 20वां राज्य हूँ त्रिपुरा। मेरा इस यात्रा का उद्देश्य महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, कि कहीं ना कहीं हमारे भारत देश की महिलाएं भारत में होती हुए भी ये सोचते हैं कि हमें डर लग रहा है या हम सुरक्षित नहीं है। तो सुरक्षा की दृष्टि से मैं बात करती हूँ, अकेले सोलो ट्रेवल करके पूरे देश की महिलाओं को यह मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारा भारत देश बहुत सुरक्षित देश है और यहाँ महिलाओं की सुरक्षा का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। साथ ही आज के जो हमारे युवा हैं, इनके लिए भी मेरा एक मैसेज है कि आज के यंगस्टर जो है छोटी सी समस्या को लेकर डिसाइड कर लेते हैं हमारा तो लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया। क्योंकि प्रॉब्लम सभी की लाइफ में होती है। मेरी लाइफ में तो जब मैं 3 साल की थी तो मेरे फादर की डेथ हो गई थी। मेरे परिवार में सिर्फ मेरी मदर और मेरी सिस्टर है। मेरी माताजी मजदूरी करते थे और पूरे साल मजदूरी करके मेरे स्कूल का फीस पे करते थे। सभी के माँ बाप हमारे कुछ ना कुछ करते हैं, मतलब बच्चों के लिए। मैंने अपनी माँ को सिर्फ बचपन से मजदूरी करते हुए देखा है। तो 7th क्लास में जो होता है ना कि सपने बनाने, वो बुनने का जो एक एज होता है 7, 8, 9, 10, जब हमारे सपने सिर्फ 6th क्लास के बाद स्टार्ट हो जाते हैं, हमारा वे पता चलने लगता है कि हम क्या करना चाहते हैं। तो 7th क्लास में मैं न्यूज़पेपर वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने लगी गाँव गाँव में। उसके बाद जब मैं 10th में पहुंची तो 10th के बाद 11th में मैंने प्राइवेट जॉब करना स्टार्ट किया। 5 साल मैंने जॉब किया। जॉब करके सबसे पहले जिम्मेदारियां, हमारी सभी की कुछ ना कुछ जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो घर के प्रति हो, चाहे समाज के प्रति हो, चाहे देश के प्रति हो, चाहे हमारी ड्यूटी के प्रति हो। तो सबसे पहले हमें अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना पड़ता है। जैसे हम जिंदगी में आए हैं तो हमारा जिंदगी जी के जाना मकसद नहीं होना चाहिए। हमें हमारी हर जिम्मेदारी को उस लेवल पे फॉलो करना है, क्योंकि जिम्मेदारी उन्हीं के पास होती है जो जिम्मेदार होता है। तो मैंने मेरी जिम्मेदारी को समझते हुए सबसे पहले मैंने 5 साल जॉब किया। 11th के घर नहीं था, मतलब हम एक झोपड़ी में रहते थे। तो मैंने मैराथन किए, हाफ एंड फुल मैराथन, कम से कम 20 मैराथन मैंने की होगी। उसकी प्राइज मनी से और कुछ आवास वगैरह था, उसके पैसों से मैंने मेरी माँ के लिए एक मजदूर का काम करके घर बनाया। घर बनाने के बाद में मुझे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं दिल में ये लगता था कि मेरी, मैं इस देश की नागरिक हूँ या इस देश में मैं पैदा हुई हूँ, तो मेरी जिंदगी का कोई ना कोई मकसद होना चाहिए, कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए, मुझे देश के लिए कुछ करना है। क्योंकि सबसे बड़ा होता है आज के टाइम में आइडेंटिटी, और आजकल ज्यादातर तो मैंने यंगस्टर में या बच्चों में देखा है कि वो दूसरों की आइडेंटिटी पे जीना पसंद करते हैं। जैसे कोई बात होता है ना तो कहते हैं कि मेरी मम्मी वो है या मेरे पापा वो है या मेरा भाई वो है, लेकिन मैटर करता है आपकी आइडेंटिटी। सबसे बड़ा मुश्किल है, दूसरों की आइडेंटिटी पे जीना बहुत ईजी है, लेकिन खुद की आइडेंटिटी क्रिएट करके जीना मतलब बहुत टफ होता है। उसके लिए सिर्फ मेहनत की जरूरत पड़ती है। हमें वैसी जिंदगी जीना है कि खुद का एक आइडेंटिटी हो, लोग हमें अपने नाम से जाने कि हाँ यार वो तो वो है। तो मैं सुरक्षा की दृष्टि से बात करती हूँ, पूरे भारत देश की महिलाओं को संदेश देना चाहती हूँ कि हमारा भारत देश बहुत सुरक्षित देश है, यहाँ महिलाओं की सुरक्षा का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। साथ ही आज के युवाओं के लिए भी मेरा एक संदेश है कि आज के युवा छोटी सी समस्या को लेकर डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया। बट मैं आप सभी युवाओं को ये बताना चाहती हूँ कि हमें हर समस्या का सामना हिम्मत के साथ करना है और आगे बढ़ना है। और मेरी टोटल यात्रा 25,000 किलोमीटर की है। मैंने 1 नवंबर को भोपाल से शुरू किया है और मैं इसका समापन 15 अगस्त को दिल्ली में करने वाली हूँ। जमशेद जी टाटा कंपनी में पहले कोई वुमेन स्टाफ नहीं थी। तो एक चिट्ठी लिखी, क्या लिखा, जो आप फील कर रहे हैं, आप इतना प्रोग्रेसिव मेंटालिटी क्या है, लेकिन आप तो इंडिया जैसा स्टेट है 50% यार। मैं थोड़ी मीट से मैं ऑफर है, मैं मीट मतलब मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलिफोर्निया।